इंडिया। इस देश के लिए ऐसा कहा जाता है कि हर 100 किलोमीटर पर पानी और बानी दोनों बदल जाते हैं, यानी लोगों का रहन सहन, जुबान, जायका सब बदल जाता है। इतनी वैरायटी वाला देश शायद ही दुनिया में कहीं और है। इंडिया को अलग अलग शासन काल में अलग अलग शासकों ने अपने मुताबिक विकसित किया, जैसे दिल्ली और आगरा मुगलों ने, दक्षिण नवाबों ने, गुजरात और राजस्थान राजपूतों ने और मुंबई कोलकाता अंग्रेजों ने। इसी अद्भुत देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश स्टेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका नाम है खजुराहो। दुनिया में इस जगह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ लगभग 24,000 की आबादी वाले इस छोटे से कस्बे का अपना डेडिकेटेड एयरपोर्ट है, जो सीधे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा है। यानी इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। वैसे तो खजुराहो के आसपास बहुत से बजट और लग्जरी होटल्स हैं, मगर हम रुकने जा रहे हैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर अलीपुरा पैलेस हेरिटेज होटल में। क्यों? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अलीपुरा चलना होगा। झांसी से खजुराहो जाते वक्त तकरीबन 90 किलोमीटर चलने के बाद आपको 15 किलोमीटर के लिए राइट टर्न लेना होगा। और आप पहुंच जाएंगे अलीपुरा स्टेट के कस्बे के एक तरफ शांत माहौल में बने 300 साल पुराने पैलेस में। भारत में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तानी सभ्यता में उसे भगवान के समान माना गया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अलीपुरा पैलेस को 2008 में एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। और यकीन मानिए, अलीपुरा पैलेस हेरिटेज होटल का स्टाफ इस परंपरा को बखूबी निभाता है। और फिर होटल के मैनेजर मान सिंह जी ने होटल के बारे में बताया। हेलो मान सिंह, हाय, हाउ आर यू? गुड। वेलकम टू अलीपुरा पैलेस। थैंक यू, व्हाट अ ब्यूटी। ये मैम एक्चुअली ब्रिटिश टाइम में सेंट्रल स्टेट्स थी और ये 36 ब्रिटिश का हेडक्वार्टर हुआ करता था उस समय। अच्छा। ये मैम एक्चुअली 300 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और 18th सेंचुरी में बिल्ड हुई है। हाँ। जो महाराजा की फैमिली है सबसे पहले उन्होंने ही इसे बिल्ड कराई। बहुत अच्छा पैलेस बनाया है। ये सामने रेस्टोरेंट है। ये मैम अलीपुरा रियासत है और इस रियासत के जो राजा साहब हैं अभी राइट नाउ वो यहाँ रहते भी हैं। आइएगा, मैं आपको आपका रूम दिखा देगा। यह की फैसिलिटी आपको बताई दे रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली, और 14 रूम इसमें हो गए हैं अभी। आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो 4 स्वीट रूम्स एंड स्विमिंग पूल। ये आपका रूम है, आप रेस्ट करिए, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।
जमीन से जुड़े लोग हैं और इन लोगों की परंपराओं और रीति रिवाज में आस्था को जगाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ के हिज हाइनेस राव बहादुर राजा मानवेंद्र सिंह जुदेव जी। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। शेफ दयाराम जी ने हमें लंच पे बुंदेलखंडी भरवा बैंगन बनाकर खिलाया। बुंदेलखंडी भरवा बैंगन, राइट, खाना खाने का आनंद ही कुछ और है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं होता। वाह क्या बात है, यहाँ तो इंडोर गेम्स का भी इंतजाम है। बातों बातों में पता लगा कि यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर राजा छत्रसाल का स्मारक और म्यूजियम देखने लायक है, तो हम भी हो गए रवाना। धुबेला लेक के किनारे बना महाराजा छत्रसाल म्यूजियम। और रानी कमलापति की समाधि वाकई आपको 300 साल पहले उस एरा में ले जाती है जब यह जगह आबाद हुआ करती थी। आज की शाम कुछ खास होने वाली है। मानसिंह जी ने बताया है कि हिज हाइनेस इस वक्त अलीपुरा आए हुए हैं, तो हमने उनसे मिलने की गुजारिश की और उन्होंने मान भी ली। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पे आपने हिस्टोरिकल जो अपना होटल है वो कब से सोचा? इसके बारे में हम लोगों ने लगभग 2001 से सोचा, 2002 से एक छोटे से रूप में इसको शुरू किया। अच्छा। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते अभी आज इस स्टेज में हम लोग हैं। और ये मेरी सारा किया हुआ मेरी वाइफ का ही है। आपके राजघराने में परिवार में मतलब कौन कौन है, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। वैसे तो हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है, कुछ फैमिली लखनऊ में सेटल्ड है, देहरादून में एंड सतना डिस्ट्रिक्ट में, और विलेज में भी कुछ फैमिलीज़ के लोग हैं जो इंडिविजुअल हाउसेज में रह रहे हैं। स्टेट मर्जर के बाद वो लोग सब
अपनी अपनी प्रॉपर्टीज में शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद आगे आपकी मतलब इस प्रॉपर्टी को लेके क्या प्लानिंग है? हम लोग यहाँ पे लगभग 28 रूम्स तक प्लानिंग है कि अकोमोडेट कर पाएंगे। 28 प्रॉपर रूम्स माने दे शुड बी कंफर्टेबल एंड मैच द बिल्डिंग ऑल्सो एंड विद अ स्मॉल जिम एंड अ स्विमिंग पूल। सो दिस इज आवर प्लान एट द प्रेजेंट। सर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जो ये अलीपुरा पैलेस है और इसका जो इतिहास है वो क्या रहा है? देखिए यहाँ हम लोग माउंट आबू से चल के दिल्ली, दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से टीकमगढ़, वहाँ से पचेर, पचेर से सरसेड़ और सरसेड़ से अलीपुरा, इस तरह का ये मूवमेंट हम लोग के फादर्स का रहा है एंड फाइनली अलीपुरा मेन फैमिली सेटल हुई और यही कैपिटल बन के और सभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी स्टेट का यहीं से चालू हुआ। उसके बाद फैमिलीज बड़ी होती गईं, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन होते रहे और फैमिलीज स्लोली इंडिविजुअल हाउसेस में शिफ्ट होती रहीं। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और मैं फ्यूचर में भी यहाँ पे हमेशा आने के लिए सोचूंगी। यू आर वेलकम, यू ऑल आर वेलकम हियर। थैंक यू। वाह, यहाँ की सुबह कितनी हसीन है और ऐसे माहौल में सुबह जल्दी उठकर योगा करना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए खजुराहो की ओर। 1000 साल पुराना ये शहर चंदेल शासकों द्वारा बसाया गया था और उन्होंने ही इन मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। यहाँ ज्यादातर शिव, विष्णु और जैन मंदिर हैं। ये मंदिर चार हिंदू पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और सिकंदर लोदी की नियत के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। वक्त की मार ने इन मंदिरों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना कि आक्रमणकारियों ने। आइए अब आपको ले चलते हैं खजुराहो के पास ही स्थित खूबसूरत रहने फॉल्स। ये खूबसूरत जगह तकरीबन 46 करोड़ साल पहले फटे ज्वालामुखी से बनी है। क्रिस्टल शेप में ग्रेनाइट के रंग बिरंगे पत्थर इसे अलग ही लुक देते हैं। 5 किलोमीटर लंबी ये कैनियन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। अभी जो आपको पानी दिख रहा है वो लगभग 50 मीटर गहरा है और यही वॉल्केनो का क्रेटर भी है। मॉनसून में ये जगह बहुत सारे वाटरफॉल्स से भर जाती है और इन वाटरफॉल्स की आवाज आपको नायग्रा फॉल्स की याद दिला देती है। अब वापस अलीपुरा पैलेस पहुंचने का वक्त हो चला है। आप अगर अलीपुरा पैलेस घूमने का प्लान कर रहे हैं तो 2 days 1 night का या 2 days 2 nights का प्लान कर सकते हैं। मुझे कहना होगा कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और उससे भी खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, मिलनसार, मददगार और जिंदा दिल। अलीपुरा हेरिटेज होटल में आकर और यहाँ के स्टाफ की मेहमान नवाजी से आप अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से रिलैक्स हो जाएंगे और मेरा दावा है कि सिर्फ 2 ही दिनों में इतने रिफ्रेश हो जाएंगे कि अगले लगभग 3-4 महीनों तक तो आपको वेकेशन ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और उसके बाद अगर जरूरत महसूस होगी भी तो आप फिर यहीं
अलीपुरा हेरिटेज होटल में ही लौट कर आएंगे।